नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इतिहास गवाह है, मेवाड़ जिसके साथ आया उस पार्टी का राज आया है और दावे के साथ कहता हूँ 50,000 से ऊपर प्रतापगढ़ सीट जीतेंगे और इस तरह सोलंबर में भी हमारा विधान हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाले चुनाव में भी हजारों वोट से भारतीय जनता पार्टी सोलंबर में जीतने वाली है। आगे हम बढ़ते हैं धैयाबाद विधानसभा, वहाँ पर हम जीतने वाले हैं। बाई इलेक्शन में जरूर कुछ हमारा 19-20 हुआ खेरवाड़ा विधानसभा, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% आएगी और गोगुंदा विधानसभा भी हम कई हजारों वोट जीतेंगे। सभी जगह राष्ट्र में जनता का बहुत बड़ा उत्साह है और सबके मन में है कि सरकार कांग्रेस की वो परिवर्तन होना चाहिए और हमारा भी इस लक्ष्य परिवर्तन यात्रा के माध्यम से संकल्प लिया है कि सरकार को हटा करके प्रदेश में हर क्षेत्र में असंतोष है, हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है, हर क्षेत्र में हमारी माँ बहनों के साथ जिस ढंग से इनका असुरक्षा की भावना है। तो आए दिन हम मीडिया में देखते हैं कि कहाँ किसको बलात्कार हुआ, कहाँ किसके साथ अपमानित हुआ, कहाँ किसके साथ बलात्कार करके भट्टी में डाल करके जला दिया गया। इस तरह की अनेकों घटनाएं राजस्थान में हमारी माँ बहनों के साथ हुई है। इन सारी घटनाओं को यह संकल्प यात्रा हमारी दूसरी संकल्प यात्रा है। राजस्थान की 4 संकल्प यात्रा में से यह दूसरी संकल्प यात्रा 3 तारीख को हमारी बेणेश्वर जो डूंगरपुर जिले में आता है त्रिवेणी संगम है वहाँ से प्रारंभ हो करके आज हम 8 तारीख को हम गोगुंदा से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। गोगुंदा का प्रवेश पूरा करके हम उदयपुर ग्रामीण में प्रवेश करेंगे। उदयपुर ग्रामीण के बाद उदयपुर शहर, यह 3 विधानसभाओं की यात्रा हमारी समापन आज उदयपुर में होगा, रात्रि विश्राम उदयपुर में होगा। अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उदयपुर में भी होना है जिसमें आज के अतिथि आदरणीय तिवारी जी मनोज तिवारी जी आज की इस यात्रा के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। जहां आम सभा, जहां हमारी स्वागत सभा में उन्हीं के द्वारा कार्यकर्ता और जनताओं को संदेश देने वाले हैं कि यात्रा का मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह से त्रस्त है, पूरी पार्टी मन से लग करके परिवर्तन करा करके पुनः राजस्थान की जनता को सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के लिए यह हमारा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से नींव के पत्थर बनने वाला है और निश्चित रूप से हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के आधार पर 3/4 के आधार पर हम बहुमत में आने वाले हैं। वागड़ क्षेत्र में हम जाके आए हैं जहाँ डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, हमने प्रारंभ भी वागड़ से किया है और वहाँ से होते हुए हम मेवाड़ में प्रवेश किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 3 तारीख से मैं रथ के साथ ही हूँ। जिस ढंग से जनता का समर्थन मिला है, जिस ढंग से जनता का हम पार्टी के प्रति आशीर्वाद मिला है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये हमारा 28 विधानसभा मेवाड़ की है उसमें से हम 3-4 सीटें जीत करके सत्ता में आने के लिए मेवाड़ बहुत बड़ा समर्थन देने वाला है। इतिहास गवाह है, मेवाड़ जिसके साथ आया उस पार्टी का राज आया है। आने वाले समय में कई ऐसे उदाहरण हैं, इस समय भी मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। डूंगरपुर और बांसवाड़े की सीटें हम अधिक से अधिक जीतने वाले हैं। उसी तरह से हम मेवाड़ में प्रवेश किया है, हमारा धरियाबाद सीट है, उसके पहले प्रतापगढ़ में आए, प्रतापगढ़ सीट हम अच्छे बहुमतों से हजारों वोटों से जीतने वाले हैं। वहाँ के विधायक के खिलाफ कई आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कांग्रेस स्वयं उन पर आरोप लगा रहे हैं। वहाँ एक प्रधान है जिसने कहा कि मुझे कमीशन मेरे मांगा गया, तो जब कांग्रेस का प्रधान ही वहाँ के विधायक के खिलाफ प्रेस में कहता है कि मेरे को इस तरह का काम में
सपोर्ट नहीं करना, और हर जगह क्योंकि उनकी पत्नी भी जिला प्रमुख है तो सारा पंचायत राज में भी उनका इतना हस्तक्षेप है, कांग्रेस खुद ही वहाँ उसके खिलाफत है और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ इतने ऑफेंसिव प्रतापगढ़ के हम हजारों वोटों से वहाँ जीतने वाले हैं और दावे के साथ कहता हूँ 50,000 से ऊपर प्रतापगढ़ सीट जीतेंगे। आगे हम बढ़ते हैं धैर्यवाद विधानसभा, वहाँ भी हम जीतने वाले हैं। बाई इलेक्शन में जरूर कुछ हमारा 19-20 हुआ लेकिन धैर्यवाद विधानसभा भी हम हजारों वोटों से जीतने वाले हैं। धैर्यवाद के बाद हमने सोलंबर भारत हमारी रथ यात्रा पहुँची थी, सोलंबर में भी बहुत अच्छा स्वागत किया, कई पॉइंटों पर स्वागत किया, वहाँ आम सभा भी अच्छी हमारी हो गई और इस तरह सोलंबर में भी हमारा विधान हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाले चुनाव में भी हजारों वोट से भारतीय जनता पार्टी सोलंबर में जीतने वाली है। सोलंबर के बाद खैरवाड़ा में निश्चित रूप से आज का विधायक कांग्रेस का है लेकिन उनके खिलाफ भी कई तरह के नाराजगियाँ हैं और कई उनके गांव का सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी है स्वयं हमारे परमार साहब दयाराम जी उनके ही गांव का सरपंच भारतीय जनता पार्टी का हमारा पदाधिकारी है मंडल का और उसने खुद ने कहा कि मैं अपने जहाँ विधायक साहब का क्षेत्र है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हम जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को प्लस करेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वयं का किला ढह रहा है एमएलए साहब का। ऐसी स्थिति में हम खैरवाड़ा भी जीतने वाली स्थिति में आज कह सकते हैं और निश्चित रूप से समर्थन के आधार पर कह सकते हैं विधायक भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत मिल रहा है और गोगुंदा विधानसभा भी हम कई हजारों वोटों जीतेंगे। उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं उदयपुर ग्रामीण में विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ भी ग्रामीण विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से जीतने की स्थिति में आज है। शहर में भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है जो आज हमारा राज्यपाल है आसाम के, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत है। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ यात्रा जारी है हमको शत प्रतिशत समर्थन मिल रहा है और शत प्रतिशत विधायक जीतने की स्थिति में मैं दावा कर सकता हूँ इस यात्रा के माध्यम से। इसलिए माननीय हमारे पत्रकार बंधु को इतना कह सकता हूँ मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बिल्कुल झाड़ू लगाने वाली है और मेवाड़ के बाद में भीलवाड़ा होते हुए हमारी ये यात्रा कोटा तक 21 तारीख को हमारी यात्रा संपूर्ण होगी। 52 विधानसभा हम जाने वाले हैं, इस 52 विधानसभा में अधिक से अधिक इस यात्रा नंबर 2 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की झोली में चीत करके किस तरह से डाले सा जनता को आह्वान करने के लिए रथ यात्रा परिवर्तन के रूप में हमने निकाली है। हमारा सारी टीम मेरे बाईं तरफ हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी हैं, बराबर प्रवास कर रहे हैं और बराबर साथ चल रहे हैं। दामोदर जी भाई साहब इनका अच्छा पुराना राजनीतिक अनुभव भी है मैं समझता हूँ, तो मेवाड़ है भीलवाड़ा, वैसे मेवाड़ में आता भीलवाड़ा का सारा क्षेत्र इनके ही कार्यक्षेत्र में आता है। अभी संभाग के प्रभारी भी हैं भाई प्रमोद जी हमारे संयोजक इसी रैली के यात्रा के सुनाते प्रमोद जी का भी जो पुराना अनुभव है वह हमको पूरा मिल रहा है। उनके आगे जिलाध्यक्ष जी हमारे चंद्र गुप्त जी हमारे एमएलए साहब जो गोगुंदा के साथ में सुशील जी हमारे इस यात्रा में प्रमुख पदाधिकारी के नाते साथ चल रहे हैं, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी के नाते काम देखने वाले भाई मनोहर जी, ये सब की टीम भावना से हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी बहुमत में इस यात्रा के माध्यम से हम आने वाली चुनाव में भारतीय जनता पर मेवाड़ से बहुत बड़ी ताकत के रूप में समर्थन मिलने वाला,